नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज आर्यन और आप देख रहे हैं चैनल ब्रोच नाउ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D इंटरनेट को लेके। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है 3D इंटरनेट और 3D इंटरनेट से हमें क्या फ़ायदे हैं। वैसे यूट्यूब पे 3D इंटरनेट से रिलेटेड बड़े कम टॉपिक्स हैं, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा इसको उठाते हैं और डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ कि क्या होता है 3D इंटरनेट, और उन्हें भी जानने का मौका देते हैं और कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 3D इंटरनेट को लेके, तो आपने अभी तक इंटरनेट का नाम तो सुना ही होगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, इंटरनेट का एवोल्यूशन होता चला गया 1.0, 2.0, 3.0। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, अभी जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो यूज करते हैं 2D इंटरनेट को, लेकिन दोस्तों अब आने वाले टाइम में हम 3D इंटरनेट पूरी तरीके से यूज करने वाले हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम 3D इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं, हम 3D इंटरनेट एक्चुअली आज के दिनों में यूज कर रहे हैं, लेकिन बड़े कम अमाउंट में यूज कर रहे हैं। उसकी जो मतलब स्कोप है वो बड़ी कम है, लेकिन दोस्तों अभी जो हम यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम में, मतलब इन फ्यूचर जो 3D इंटरनेट होगा वो बहुत तेजी से फैल जाएगा। तो दोस्तों, जो हम 2D इंटरनेट यूज करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि जब आप नॉर्मली इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या किसी वेबसाइट को सर्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे जो मतलब चीजें होती हैं वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में, उसके साथ साथ जो उसकी इमेज क्वालिटी होती है वो बड़ी पुअर होती है। मतलब अगर आप HD देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी देख रहे हैं। अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई है वीडियो के मामले में भी, एनिमेशन के मामले में, ये जो टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, आप जो सर्व करते हैं वो नॉर्मल सा इंटरनेट सर्व करते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें 3D इंटरनेट को लेके, तो जो 3D इंटरनेट है उसमें मेनली दो कॉन्सेप्ट है। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो तो है इंटरनेट का, और जब उस इंटरनेट पे हम 3D ग्राफिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, चाहे वो एनिमेशन के रूप में यूज करें, चाहे वो इमेज के रूप में यूज करें, तो दोस्तों वो हो जाता है हमारा 3D इंटरनेट। और दोस्तों, 3D इंटरनेट में हम वर्चुअल रियलिटी से ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मतलब वो चीज़ें हम रियलिटी में यूज कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे साथ रियलिटी में हो रही हैं, वो होता है 3D इंटरनेट। और दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स अभी हम यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्ड यूज करते हैं वेब पेजेज पे 2D इंटरनेट में, जो अभी इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन 3D इंटरनेट में हम जब यूज करेंगे तो यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेज का, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेशन का, और वो जो एनिमेशंस होंगी वो होंगी एक 3D ग्राफिक्स एनिमेशन, 3D ग्राफिक्स इमेज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 3D इंटरनेट के यूज करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या एवोल्यूशन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है वो एवोल्यूशन होगा, वो होगा सेलर्स के लिए, या कह दूं तो जो ई कॉमर्स करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो दोस्तों, अगर हम 3D इंटरनेट का यूज करेंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या अगर आप एक सेलर हैं या कोई भी सेलर है जो अपने प्रोडक्ट को सामने रखता है, तो वो एक पुअर क्वालिटी में रख पाता है अभी इन दिनों। भले वो हमें लगती है कि वो बेटर क्वालिटी में है, यार हमें HD देखने को मिल रहा है, लेकिन 3D इंटरनेट को पूरा यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि जो 3D इंटरनेट है उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्ट होती हैं, ऐसे लगती हैं कि वो हमारे सामने रियलिटी में रखी हुई हैं। और अगर बात करें स्पेशली इंटरटेनमेंट को लेके, तो दोस्तों इंटरटेनमेंट पे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा 3D इंटरनेट के जरिए से। वर्चुअल रियलिटी देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा कि जो हम मूवीज देख रहे हैं, जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, वो हम रियलिटी में देख रहे हैं। गेमिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा 3D इंटरनेट के आने के बाद। और गेमिंग, जैसे अभी तक हम जो गेमिंग करते थे, पहले अगर गेमिंग में पीछे आप चले जाइए तो हमें क्या देखने को मिलता था कि हम कैरेक्टर्स, छोटे छोटे सिंबल्स का यूज करते थे, लेकिन अगर आप पबजी गेम और चीज़ों की बात करें तो आप वहां पे देखते हैं आपको वहां पूरा का पूरा वर्चुअल रियलिटी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ठीक इसी तरीके से 3D इंटरनेट आने के बाद ये सारी बदलाव आ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको 3D इंटरनेट पूरा समझ में आ गया होगा कि 3D इंटरनेट क्या होता है। एक बार फिर से समझा के बताता हूं कि अभी जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम वर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जब हम 3D इंटरनेट का यूज करेंगे तो ये जो इंटरनेट होगा इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 3D ग्राफिक्स का यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये था 3D इंटरनेट के बारे में जो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या है 3D इंटरनेट, और पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कमेंट में कि क्या होता है 3D इंटरनेट। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपका दिन शुभ हो, और इसी के साथ सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।